नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग का आज पांचवा दिन है। रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों का असर दिखने लगा है। अमेरिकी मुद्रा डॉलर की तुलना में रूस की मुद्रा रूबल में करीब 30% की गिरावट आई है। इसके अलावा रूस को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से भी बाहर करने की तैयारी है। रूस में आम लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। रूस के बैंकों और एटीएम के सामने लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। रूस के आम लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बाद में उनका बैंक कार्ड काम करना ना बंद कर दे या पैसों की निकासी पर लिमिट ना लग जाए। इस कारण लोग ज्यादा से ज्यादा कैश निकाल रहे हैं। दूसरी ओर करेंसी की वैल्यू गिरने से रूस में महंगाई चरम पर पहुंचने का भी खतरा है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जारी लड़ाई के बीच रविवार को परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। धन्यवाद।